आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना Hello student question is given that in the uh, figure shown the capacity of the condenser C is 2 microcoulomb right the current in 2 ohm resistance is क्या होगा? ठीक है? तो अब देखिए बच्चों अब यहाँ पे हमें यह गिवन नहीं है बच्चों कि हमें टी कोस टू जीरो टाइम पे या टी कोस टू इनफोनाइट टाइम पे हमें बताना है ठीक है तो हम स्टडी स्टेट कंडीशन मान लेते हैं मतलब टी कोस टू इनफोनाइट ठीक है स्टडी स्टेट कंडीशन ठीक है स्टडी स्टेट पे हम देखते हैं बच्चों यहीं पे लिख लेते हैं स्टडी स्टेट टी जो होता है स्टडी स्टेट एक कंडीशन होती है ठीक है स्टडी स्टेट में हम क्या देखते हैं बच्चों की कंडेंशर में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो होता है कंडेंसर जो होता है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है ठीक है ओपन सर्किट की तरह कंडेंसर बिहेव करता है ठीक है तो हमें पता अगर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा बच्चों तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा ठीक है तो फिर यहां पे करंट जीरो होगा तो अब नई सर्किट अगर हम देखें बच्चों तो नई सर्किट में हमें क्या दिखेगा नई सर्किट में मैं दिखेगा एक तो ये छः वोल्ट का रेजिस्टेंस हो गया सॉरी बैटरी हो गई ठीक है उसके साथ अब करंट इसमें आएगा मान लेते हैं अगर इससे आई करंट फ्लो रहा है तो इसमें करंट तो आएगा नहीं तो इसमें करंट आएगा आई आए, ठीक है इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मान लेते हैं आई वन और आई टू और यहाँ से करंट आता है कितना बच्चों फिर से आई आए करंट आएगा और इसमें आ जाएगा आई और फिर बैटरी के पास रीच कर जाएगा ठीक है तो हमें यही शो करना है यहाँ पे अच्छा इन दोनों का अगर हम यहाँ पे ए और बी के बीच देखें बच्चों ठीक है तो ये दोनों कैसे हैं दो ओम और तीन ओम के है बच्चों टू और थ्री ओम के रेजिस्टेंस ए और बी के क्रॉस हम देखते हैं बच्चों इक्वल पोटेंशियल में है तो इसका मतलब ये पैरेलल कंडीशन में है और पैरेलल कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि हमें यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस मिल रहा है कितना बच्चों टू पॉइंट एट ओम का रेजिस्टेंस ठीक है अच्छा यहाँ पे जो करंट फ्लो रहा आई ठीक है तो अब इससे तो करंट ही फ्लो होगा इसमें भी आई करंट फ्लो होगा क्योंकि सीरीज़ में हमें दिख रहा है राइट करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों इसमें आई वन और आई टू और ये फिर से क्या होंगे अच्छा इनका इक्विलेंट अगर फाइंड करते हैं बच्चों तो में, है? में तो सर्किट तो हम बना सकते हैं इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बच्चों तो फार्मूला होता है आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू केस में ठीक है तो आर वन इंटू आर टू मतलब टू इंटू थ्री अपॉन आर वन प्लस आर टू मतलब टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा बच्चों Six by five हो जाएगा राइट तो सिक्स बाई फाइव ओम हो जाएगा अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों क्या इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा ओम ओम ठीक है ध्यान से देखिए बच्चों तो क्या हम यहाँ पे ये भी पोटेंशियल है तो जो आई करंट होगा वो हो जाएगा भी अपॉन आर इक्वेलेंट राइट तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों भी तो भी कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सिक्स वोल्ट हो जाएगा आर इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो ये वन पॉइंट टू प्लस टू पॉइंट एट या हो जाएगा बच्चों सिक्स डिवाइड बाई फोर इसका मतलब थ्री बाई टू एम का करंट फ्लो हो रहा है ठीक है अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है आई वन तो ऐसा कर लेते हैं बच्चों ए और बी के बीच पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं क्या बिल्कुल ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है बच्चों ठीक है तो ए और बी के बीच अगर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल इजी है बच्चों पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू करंट अब देखिए तो आई ही फ्लोरा है और ए और बी के बीच हम रेजिस्टेंस देखेंगे ठीक है तो ए और बी के बीच हमें तो ए तो जाएगा बच्चों फ्लो होने वाला करंट थ्री बाई टू है और ए बी के क्रॉस जो रेजिस्टेंस वन पॉइंट टू या इसी को हम सिक्स बाई फाइव लिख लेते हैं अभी ठीक है सिक्स बाई फाइव तो ये हो जाएगा बच्चों ए और बी के बीच पोटेंशियल ठीक है अभी हम पे कैंसिल नहीं करते अभी लिखा रहने देते हैं राइट अब देखिए बच्चों हमें ए और बी के बीच पोटेंशियल मालूम है तो क्या इसमें फ्लोने वाला करंट फाइंड कर सकते हैं बच्चों बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं तो कैसे निकालेंगे बच्चों देखिए पे भी फिर ओम का ओम लॉ का उपयोग करेंगे तो आई वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों ए बी के बीच जो पोटेंशियल है उसी के क्रॉस रेजिस्टेंस हो जाएगा ठीक है आर वन तो इन दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो कितना होगा ए बी के बराबर ही होगा इसका रिस्टेंस आर वन हम, हमने माना है और करेंट आई वन रहा है तो आई वन हमें निकालना है ठीक है तो अगर हम देखते हैं बच्चो बी ए बी तो ये हो जाएगा बच्चों आर वन तो आर वन कितना हो जाएगा बच्चो आर वन हो जाएगा हमारा यहाँ पे इक्विल आर वन हो जाएगा टू ओम ठीक है टू ओम तो यहां से आई वन फाइंड कर सकते हैं बच्चों

स मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर